हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून वरद, गुड आफ्टरनून गाइस। तो गाइस, आज का जो सेशन है बेसिकली डाउट क्लियरिंग सेशन है, बेस्ड ऑन क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, आई एम गुड अनुज, थैंक यू। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हम डिस्कस करने वाले, कौन कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो शीट है उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 13 ये आपको बोला गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 ये आपको बोला गया है। फिर 69 से 74 ये आपको बोला है, और 87 से 92 ये आपको बोला है। तो गाइज एक बार चेक कर लो, यही गिवन है क्या? ठीक है, ओके, कूल। तो ठीक है, अब डिस्कस कर लेते गाइस। तो गाइस, एनी डाउट इन द फर्स्ट सेट, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 13? कोई भी अगर आपको डाउट है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एंड यू कैन रेज योर हैंड, तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, प्रखर अनम्यूट कर लो। हेलो हाँ प्रखर, कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपको? ओके सर, क्वेश्चन नंबर 10। गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो सभी। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं मेरे पास भी सीट है, मैं भी क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। ओके, एन की वैल्यू आपको पूछी है, ऑप्शंस में कुछ चीजें गिवन है। ओके ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10th में, ओके, जिनसे क्वेश्चन सॉल्व हो रखा है गाइस, आप भी अपना, मतलब आपके साथ भी हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको दे रखा है 1 - iota raise to n इज इक्वल टू 2 raise to n। अब n के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है क्या है, लेकिन ऑप्शन से वहां से आप आइडिया ले सकते हो। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, मतलब आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन में 1 दे रखा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ऑप्शन में 1 0 - 1। ओके ठीक है, तो ऑप्शन में कुछ ऐसा दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन -1 और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है नन ऑफ दी। ठीक है प्रखर, अनम्यूट हो आप। ओके, जिनसे सॉल्व हो रखा है क्वेश्चन गाइस, यू कैन रेज योर हैंड सो वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन विद देम। हाँ, अनम्यूट कर लो प्रखर आप। हाँ यस सर, ओके ठीक है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई स्टेप आप सोच पाए, या डायरेक्ट अब एन के बारे में पता नहीं, लेकिन ऑप्शन में जो वैल्यूज दिख रही है वो रख के आपने चेक किया क्या है? नहीं सर, समझे नहीं क्वेश्चन। ओके ठीक है, देखो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दे रखा है, राइट हैंड साइड में कुछ दे रखा है, दोनों को इक्वल बोल रखा है। ठीक है, यस अब सर, यहाँ पे आपको एन की वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए वो इक्वल आ रहा है। क्लियर? हेलो। हाँ, आवाज आवाज आ रही है प्रखर? हाँ ये सर आ गई, बीच में कट ओके गई। हाँ ठीक है, अगर बीच में प्रॉब्लम हो रहा है आवाज का तो बोल दे रहे हैं। ठीक है, हाँ तो आपको, हाँ लोग ऑप्शंस में आंसर बोल रहे हैं, सर सीधा 0 रख दो पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन से आप एन के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, इंटीजर है क्या नंबर है, तो आप ऑप्शन से वैल्यू रख के भी सोच सकते हो, है ये सर, ना? तो ऑप्शन से जब आप वैल्यू रखोगे, मान लो जैसे आपने 1 रखा, तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा आपका, 1 - iota आएगा, जो एक आपका, हाँ, और राइट साइड क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर। होंगे नहीं, है कि नहीं? यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी है आपका, राइट? यस हाँ, वैसे आप 0 रख, अच्छा 0 रखोगे तो बेसिकली वो तो आ जाएगा आपका आंसर, हाँ, 0 = 0। है ना? अगर आप -1 भी रख के चेक करोगे तब भी आंसर नहीं आएगा। जैसे -1 रख के आप चेक कर रहे हो मान लो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 का मतलब, उसको ऐसा लिख सकते हैं 1 by 1 - iota, हाँ, इक्वल टू 1 by 2। -1 by 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मान लो अगर हम एज्यूम कर रहे हैं इक्वल है, लाइक लेट अस एज्यूम दैट बोथ आर इक्वल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना फिर, हाँ यस सर, तो 2 should be equal to 1 - i, बट -1। आपको पता है ऐसा तो होता नहीं है, तो नहीं जो हमने एज्यूम किया वो गलत है। तो हाँ यहाँ पे क्या, क्योंकि अपने को बोला नहीं है एन इंटीजर है, क्वेश्चन में कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है, बस सिंपल इतना दे दिया, बोला एन की वैल्यू ऑप्शन में से क्या होगी, इसलिए अपन सीधा ऑप्शन रख के देख रहे हैं। हाँ यस सर, ठीक है, क्लियर हुआ?
हाँ समझा समझा। हाँ ऑप्शन में भी, हाँ सभी लोग यही बोल रहे थे सर इधर एन के बारे में कुछ नहीं दिया, तो सीधा ऑप्शन पुट करो, हाँ उससे हो जाएगा। तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। हाँ मधुरा आप कुछ बोल रहे हो, मतलब वो ऑप्शन नंबर आप बोल, मतलब ये -2 क्या लिखा है आपने मधुरा? ओके ठीक है। हाँ वैसे जैसे कि ठीक है ओके कूल। और गाइज ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जो शीट है इसमें क्वेश्चंस काफी बेसिक दिए हुए हैं, क्योंकि आपका टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, मतलब आपको बेसिक पार्ट बताया गया है, तो जितना पार्ट आपको पता है उस हिसाब से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब अगर आपको पूरा टॉपिक पता है तो इवन कुछ क्वेश्चन में आगे दूसरे भी मेथड होते हैं जिससे शायद आंसर जल्दी आ जाएगा, बट जितना पार्ट आपको पता है उससे ही हम सॉल्व करेंगे। इट इज क्लियर टू एवरीवन? ओके तो फिलहाल हाँ श्रेय अभी पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं, बाद में सर्कल्स की भी बात कर लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर गाइस जो फर्स्ट सेट है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 13, और कोई क्वेश्चन में डाउट है आपको? ओके क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है, और अनुज आपको क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है। तो गाइज कैन यू रेज योर हैंड दैट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन? सर अनम्यूट कर लो, यस सर। आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13। ओके गाइज क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो सभी। ओके क्वेश्चन नंबर 13 में ओके 2n+1 टर्म्स है आपको, अच्छा वैल्यू पूछा है सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा। ओके तो जो टर्म्स गिवन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आयोटा स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 4 प्लस आई टू द पावर 6 ऐसे चलते जा रहा है। ओके कि टोटल टर्म्स है 2n+1, और एन मतलब अभी ठीक है उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट नहीं है मेंशन। ओके ठीक है एन जो है बेसिकली आप पॉजिटिव इंटीजर सोच सकते हो। तो मुझे ये बताना प्रखर, 2n+1 ऑड हो जाए, ये ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा? और ठीक है और बेसिकली ये नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये ऑड मतलब बेसिकली ऑड टर्म्स है आपके, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, हाँ मतलब या तो टर्म्स आपके 3 5 मतलब इस टाइप में, या तो 11 या तो 17 कुछ ऐसे टर्म्स हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ सिंप्लीफाई करके। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। -1 ठीक है, तो -1 फिर ये पावर 4, आयोटा पावर 4 वो आयोटा वो कितना माइनस हो जाएगा? वन वन वो 1 हो जाएगा ठीक है। आयोटा पावर 6 -1। वो -1 हो जाएगा ठीक है। अगला टर्म आयोटा पावर 8 वो 1 हो जाएगा ठीक हाँ मतलब है, फिर -1 आ जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि कुछ ऐसे टर्म्स चल रहे हैं अल्टरनेट -1 +1 आ रहा है ठीक हाँ है। अब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं दो दो टर्म्स का ग्रुप बनाऊँ आंसर 0 आएगा ठीक हाँ है। कैंसिल तो हो अगर जाएगा। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो अगर मैं दो दो का ग्रुप बनाते जाऊँ तो एक टर्म आखिरी में बच जाएगा ना, हाँ तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली? -1 -1। आ जाएगा आंसर ठीक हाँ समझा सर। है। ओके कूल गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट जो है सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 12 हर्ष, हर्ष कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो हर्ष। हाँ ओके क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है आपको? ओके सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 चेक करो सभी। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन ओके विच विल रिड्यूस दिस टू अ रियल नंबर। ओके तो आपको नीचे ये दे रखा है आयोटा -1 अपॉन आयोटा +1 होल रेज टू पावर एन, ये आपको गिवन है। आपको बोला है एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, आपको वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, रियल नंबर हो जाए। क्वेश्चन क्लियर है हर्ष?
हर्ष कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो हर्ष, जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है आप अनम्यूट ही रहो। ओके सर। इसमें हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं सर इसमें ऑप्शंस का यूज हम ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली ले सकते हैं। 2, 3, 4, 5 बेसिकली आपको ऑप्शंस गिवन है कि एन की वैल्यू या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 ऐसा गिवन है। ठीक है अच्छा ये बताओ हर्ष कैसे ट्राई कर रहे हो आप क्वेश्चन? आपको एन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, इंटीजर मतलब इंटीग्रल वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल, सच दैट ये एक पूरा एक्सप्रेशन रियल नंबर हो जाए। कैसे आपने सोचा ऑप्शन सॉल्व करने का? चल के देखा तो बीच में वो अटक गया। नहीं एक मिनट आपकी आवाज कट गई थी सॉरी। कैसे ट्राई किया? ऑप्शन चल के देखा मैंने। ओके ठीक है ऑप्शन पुट करके देगा ठीक है चलेगा। तो हम क्या कर लेते, चलो देखो एक चीज तो ये है क्योंकि मैं बोला ना जितना पार्ट आपको बताया गया उसे अब से हम सॉल्व करेंगे। तो एक क्या कर लेते हैं इसको नहीं क्या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, एटलीस्ट मतलब दोनों जगह कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहेंगे फिर। ठीक है हाँ सर ओके। तो ये यस सर। ब्रैकेट में मुझे बताओ अब यहाँ पे तो चलो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, न्यूमेरेटर में तो लिखा है 1 - 1 + iota, डिनोमेटर में 1 + iota, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है डिनोमेटर के, तो 1 + iota का कॉन्जुगेट क्या आता है? 1 + iota, हाँ वन उसका माइनस आयोटा 1 - iota करेक्ट। तो माइनस 1 - iota से देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, होल रेस टू पावर एन अभी भी है। सबसे पहले न्यूमेरेटर की बात कर लेते हैं, तो न्यूमेटर अगर आप चेक करो, अरे सॉरी हाँ इससे मल्टीप्लाई किया था ना, ठीक है ओके ओके। तो 1 - iota से मल्टीप्लाई किया। अच्छा न्यूमेटर अगर चेक करोगे, अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो बेसिकली वो क्या लिखा है, 1 - iota ही लिखा है। वैसे वो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है पर ठीक है मतलब कैलकुलेशन तो आसान हो जाएगा। तो 1 - iota ये भी कितना है, 1 - iota अपॉन बेसिकली ये 1 + iota इंटू 1 - iota कितना आ जाएगा, 1 square minus iota square। ठीक है तो 1 square - iota का स्क्वायर, ठीक है ये लिख दिया और होल रेस टू पावर एन गिवन है। ठीक है अब सबसे यस पहले सर। न्यूमेरेटर में आप चेक करो ए माइनस बी होल स्क्वायर दिख रहा है क्या, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ तो ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख दिया मैंने। डिनोमेटर में ऑब्वियसली कितना आएगा, 1 - iota का स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन टू है ना, हाँ 2 आ जाएगा करेक्ट गुड, वो न्यूमेटर में 2 आ जाएगा सही है। यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो अगर आप अच्छा आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, यस सर। ठीक है तो ये अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया कैंसिल आउट, ठीक है अच्छा ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो क्या न्यूमेटर में 2 iota बच रहा है हाँ और डिनोमेटर में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, टू ठीक है इसका होल पावर एन है, 2 और 2 ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आयोटा रेस टू एन हो गया। ठीक है अब मुझे बताओ आयोटा को क्या नंबर मतलब बेसिकली एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू सच दैट ये रियल नंबर हो जाए। 4। 4 कैसे, आयोटा स्क्वायर ना, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है मतलब हाँ टू, एन की वैल्यू 2। देखो बेसिकली आयोटा क्या है, रूट ऑफ माइनस वन है ना, तो इसका जब आप स्क्वायर कर दोगे तब माइनस वन मिल जाएगा, मतलब एक रियल नंबर मिल जाएगा हमें, और हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब 4 से भी रियल नंबर आएगा ऐसा नहीं कि नहीं आने वाला, लेकिन आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब उन्होंने क्या बोला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। पॉजिटिव चाहिए ना, स्क्वायर करके नेगेटिव हाँ आएगा। नहीं, अरे एन की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, नंबर आपका हाँ रियल हाँ आना चाहिए, ठीक है हाँ ठीक एन की पॉजिटिव वैल्यू 2 है, हाँ उस आयोटा स्क्वायर करने पे हमें माइनस वन मिल रहा है वो सही है, लेकिन उन्होंने नहीं ओके क्या ये सर नहीं बोला ना कि पॉजिटिव रियल नंबर थी, उन्होंने क्या बोला रियल नंबर थी। ओके सर। अगर पॉजिटिव रियल नंबर बोला होता तब आपका आंसर क्या आता, हाँ करेक्ट तब 4 आता, मतलब क्योंकि फिर स्क्वायर करने पे तो माइनस वन आ रहा है, फिर से स्क्वायर कर देंगे तो प्लस वन आ जाएगा, तब आपका आंसर 4 आता। ओके क्लियर हर्ष? यस सर। थैंक यू सर। ओके ओके कूल थैंक यू हर्ष। हाँ अनुज 9th क्वेश्चन में अभी भी डाउट है आपको, मतलब वो बेसिकली सीरीज का क्वेश्चन है आई थिंक, तो एक सीरीज का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अच्छा डाउट क्लियर हो गया अभी अनुज, वेरी गुड। ठीक है तो गाइस जो फर्स्ट ग्रुप है क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 13, किसी को डाउट है उसमें? नो डाउट ओके गुड। गाइस जो नेक्स्ट लॉट है फिर क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30, तो पहले क्वेश्चन नंबर 20 तक आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20, कोई डाउट है गाइस?
ओके यस कैन यू रेज योर हैंड 19th में. हाँ काफी लोगों को डाउट आ रहा है 19th में, तो गाइज 19th क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं. यस अनम्यूट कर लो. यस सर. ओके गाइज क्वेश्चन नंबर 19th चेक करो सभी. मैं भी क्वेश्चन नंबर 19th देख लेता हूँ क्या गिवन है. ओके ठीक है. ए प्लस ओके सो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 में ये आपको दे रखा है ए प्लस आई बी होल रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा. ये आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है बेसिकली बी प्लस आई ए होल रेज टू 5 कितना होता है. यही क्वेश्चन है. यस सर. ओके ठीक है. कैसे ट्राई किया आपने? सर b plus i raise to 5 का एक्सपांशन ट्राई किया था बट नहीं 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 एक्सपांड मत करो, एक्सपांड मत करो, वो तो लेंदी हो जाएगा, एक्सपांड मत करो. हाँ. अच्छा कोई है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ 19, क्योंकि चार पांच लोगों का मतलब डाउट मतलब काफी लोग के आए हैं इसमें 19 क्वेश्चन से रिलेटेड. कोई है ऐसा जिससे क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो चुका है? कोई भी नहीं. ओके ठीक है. जस्ट अ सेकंड. ओके शिवम आपने सॉल्व कर लिया. ओके गुड वेरी गुड. शिवम अनम्यूट कर लो. यस सर. मतलब okay, मैंने कैसे ट्राई किया शिवम? बाइनोमियल थ्योरम से इसको सॉल्व किया. ओके प्लस आई बी रेज टू 5 ना उसको मैं बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व किया. मेरे को सिर्फ इतना पूछना था कि और एक मेथड है क्या इसको सॉल्व करने के बायनोमियल. ठीक है मैं देखो सॉल्व करके बताता हूं. मैं सॉल्व करके बताता हूं ये आप चेक करो. ठीक है अनम्यूट ही रहना. आप भी अनम्यूट रहो. यश आप भी अनम्यूट ही रहो. ठीक है तो देखो क्या करते हैं यहाँ पे मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मतलब आयोटा जो है वो बी के साथ नहीं है, है ना. मतलब देखो बेसिकली ए और बी क्या है रियल पार्ट है. Yes. और आयोटा है रूट ऑफ माइनस वन. यहाँ पे अल्फा और बीटा रियल पार्ट है. आयोटा क्या है रूट ऑफ माइनस वन. तो अगर मैं चेक करूँ इन्होंने नहीं किया बी के साथ आयोटा नहीं रखा ऐसा मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन आ रहा है यहाँ पे तो मैं आयोटा कॉमन ले लूँ यहाँ से. यस ओके सर. ठीक है आयोटा आयोटा कॉमन ले लेता हूँ. तो आयोटा कॉमन ले लूंगा तो आयोटा रेज टू पावर 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका ए बाय आयोटा प्लस बी बच जाएगा होल रेज टू पावर 5. ये क्लियर है क्या बोलो? यस सर. ओके ठीक है. अच्छा आयोटा रेज टू 5 तो कितना होता है माइनस आयोटा होता है ना. यस सर. हाँ या नहीं? आयोटा 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 रिस्क. हाँ आयोटा होता है वही. तो आयोटा रिस्क 4:1 होता है ना. ठीक है ओके. तो आयोटा आ गया. चलो ठीक है तो एक काम तो ये हो गया कि बी के साथ आयोटा तो चला गया लेकिन यहाँ पे क्या है आयोटा ए है मेरे पास डिनोमिनेटर में आयोटा है तो ऊपर आयोटा लाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है स्टेप ध्यान में आ रहा है या नहीं ये बताओ. ओके कूल ठीक है. ठीक है तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा देखो डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर होगा वो तो माइनस वन हो जाएगा तो बेसिकली ये कुछ ऐसा हो गया बी माइनस आई ए रेज टू पावर 5. अभी भी क्या है वो अल्फा प्लस आई बीटा. यहाँ पे भी क्या है अल्फा प्लस आई बीटा. यहाँ तक ठीक है. ओके अब मुझे क्या दिख रहा है कि मैंने मतलब ऑलमोस्ट सेम चीज बना ली है बस क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है वहां पे पॉजिटिव साइन है तो शायद कॉन्जुगेट लेके काम हो जाएगा. ठीक है तो यहाँ से क्या करना है मुझे आयोटा को एलिमिनेट करना है यहाँ से तो मैं क्या कर लेता हूँ आयोटा से डिवाइड कर देता हूँ. तो बी माइनस आई ए रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू कितना अल्फा बाय आयोटा प्लस आयोटा बीटा बाय आयोटा. अब सेम चीज है यहाँ पे देखो ये जो है आयोटा बीटा बाय आयोटा ये तो बीटा हो जाएगा वो ठीक है. यहाँ पे क्या करेंगे तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं. तो आयोटा से मल्टीप्लाई ये ऐसा कर दिया यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा तो बेसिकली बी माइनस आई ए का पावर 5 ये आ गया आपका बीटा माइनस आयोटा अल्फा. यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर.
ठीक है ओके। अब देखो बेसिकली अगर आप कॉन्जुगेट ले लोगे दोनों साइड तो आंसर आ जाएगा फिर। यस सर, बीटा प्लस आयोटा अल्फा। हाँ तो आंसर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस आयोटा अल्फा आ जाएगा। तो बस आपका आंसर आ गया सर। बट एलएचएस में आई रेज टू 5 था ना? नहीं नहीं अच्छा ठीक है। देखो आपको शायद वो प्रॉपर्टी बताई नहीं गई होगी, मैं वो प्रॉपर्टी बता देता हूँ। मान लो वो प्रॉपर्टी का शायद कोई क्वेश्चन में यूज भी है आई थिंक जो, ठीक है तो ये ध्यान रखो। मान लो जेड अभी के लिए सिंपल ऐसे दे रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका पावर 5 है, ठीक है। अब आपने इसका कॉन्जुगेट लिया तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड कॉन्जुगेट का पावर 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पता है आपको? नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे किया है तो मतलब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, देखो मान लो मैंने क्या कॉन्जुगेट ले ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेट ले लिया, यहाँ पे भी कॉन्जुगेट ले लिया, ऐसा लिख दिया। तो जो लेफ्ट साइड है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बी माइनस आई ए वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, उसका कॉन्जुगेट उसका पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करके जो अभी लिखा है आपको। यस सर, ठीक है ये ऐसा लिख दिया। और यहाँ से कॉन्जुगेट लोगे तो कितना आ जाएगा, बस बीटा प्लस आयोटा अल्फा आ जाएगा। अब ये बेसिकली क्या हो गया, बी प्लस आई ए पावर 5 आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है तो ऐसा नहीं कि एक ही मेथड है, एक से ज्यादा भी मेथड आप यूज कर सकते हो, और जितना आपको आई थिंक बेसिक वाला पार्ट बताया गया है उस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, तो आई थिंक ये मेथड मुझे बेस्ट लग रहा है। क्लियर सभी को? अच्छा होगा तो उससे भी आप सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी तरीके, जब टॉपिक पूरा हो जाएगा माइट भी और मेथड आपके पास आ जाएंगे सॉल्व करने, ठीक है। हाँ वैसा ऑब्जर्वेशन, हाँ ठीक है ऑब्जर्वेशन वाली बात फिर एक, एक मतलब ये है कि भाई ऑब्जर्व करके, ठीक है। बट आई थिंक ये एक मेथड से आप, आई होप तो ये मेथड सभी को क्लियर हो गया होगा गाइस। बाकी लोग भी जो है चैट में, अगर ये मेथड फिर से एक्सप्लेन करना है तो आप बोल दीजिए। ठीक है ओके, एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है एक और बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मेथड, ठीक है यहाँ पे ध्यान दो गाइस। तो क्या था यहाँ पे, मतलब ए प्लस आयोटा बी दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी प्लस आयोटा ए दिख रहा है। तो एक क्या चीज दिखी कि बी के साथ यहाँ पे आयोटा है लेकिन यहाँ पे आयोटा नहीं है, तो एक चीज क्या ध्यान में आ रही कि चलो आयोटा कॉमन ले लो, तो आयोटा कॉमन ले लिया तो आयोटा रेस टू पावर 5 वाला हो गया, बचे हुए टर्म्स ऐसे थे आपके। इसके बाद में क्या किया, चलो बी तो आ गया, अब ए के साथ आयोटा मल्टीप्लाइड है लेकिन ए के साथ यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा था, वो ए बाय आयोटा था। क्या कर दिया हमने, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि ए के साथ आयोटा दिख जाए। डिनोमीटर में क्या रहा फिर, आयोटा स्क्वायर वो कितना होता है, -1, तो उसको ये ऐसा लिख दिया। अच्छा आयोटा रेस टू पावर 5 कितना होता है, वो तो आयोटा होता है, तो उसको ऐसे लिख दिया यहाँ पे वैसे की वैसे। अब ये आयोटा की जरूरत नहीं है हमें, तो ये आयोटा से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड करके हम यहाँ तक आ गए, बीटा माइनस आयोटा अल्फा। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, पूरा सेम चीज मिल गया, बस यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन, तो कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है। ओके सॉरी, हाँ गाइस क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, माइनस साइन आ रहा था उसके बाद क्या, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है तो कॉन्जुगेट ले लिया। अच्छा ठीक है अद्वैत, देखो ओके अद्वैत मैं बता देता हूँ यहाँ पे कंसेप्ट। अद्वैत देखो यहाँ पे सिंपल मुझे ये बताना, मान लो माइनस या माइनस जाने दो 2 × 3 का पावर या ठीक है ऐसे बता दो। चलो देखो 2a प्लस 2b का पावर 5 है, अब आपने मान लो 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा और पूरे का पावर अभी भी क्या आएगा, 5 आएगा। अब ये पावर 5 2 को भी मिलेगा, पावर 5 a प्लस बी को भी मिलेगा, तो क्या आ गया 2 रेस टू पावर 5 इंटू
ए प्लस बी रेस टू पावर फाइव, ये क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। वैसे ही जो वहां पे टर्म था, टर्म क्या था, ए प्लस आयोटा बी, तो चलो ठीक है, देखो ऐसा लिखा है ए प्लस आयोटा बी। अब मान लो मुझे आयोटा कॉमन लेना है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर बी के वहां पे तो आयोटा दिख रहा है हमें, ए के वहां पे तो आयोटा दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। अब आयोटा दिख रहा है ए के साथ, ठीक है, तो आयोटा कॉमन ले लिया। तो जब आप आयोटा कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, ए बाय आयोटा प्लस बी, और इस पूरे का पावर कितना है, फाइव। ये पावर फाइव अब दोनों को मिलेगा, तो क्या हो गया, आयोटा का पावर फाइव और ए बाय आयोटा प्लस बी, इसका भी पावर फाइव। क्लियर है सभी को? ओके कूल गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 हमने डिस्कस किया है। किसी को अभी भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 19? ओके कूल, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई डाउट? ओके मधुरा, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो मधुरा। यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है, राइट? हाँ। ओके सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। तो आपको गिवन है, जस्ट अ सेकंड, ना क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रहा है, वन माइनस आयोटा, ओके वन माइनस वन बाय आयोटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वन माइनस आयोटा रेस टू एन मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस वन बाय आयोटा रेस टू एन, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, और आपको बोल रखा है कि एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको दे रखा है, ठीक है, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको बोल रखा है, ठीक है, आई प्लस लिख दे, चलो एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कैसे ट्राई किया मधुरा क्वेश्चन? सर मैंने नहीं किया था, नहीं समझ। यहाँ पे देख लेते हैं ना, बताओ क्या स्टेप आप सोच रहे हो सॉल्व करने के लिए? मल्टीप्लाई, ठीक है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों का पावर सेम है ना, तो बेसिकली ऐसा सोच सकते हैं, ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए इंटू बी का पावर एन, वही आप बोल रहे हो ना? हाँ। ठीक है, तो आप जैसा बोल रहे हैं वैसे सॉल्व करते, देखो हो जाए, हो ही जाएगा सॉल्व। तो वन माइनस वन बाय आयोटा ये हो गया, और पूरे ब्रैकेट का पावर क्या हो गया, एन हो गया। चलो ठीक है, अब क्या करें, एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करें फिर? हाँ सर। ठीक है, पहले वन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली वन माइनस वन बाय आयोटा यही आ जाएगा, वन इंटू वन वन आ गया, वन इंटू माइनस वन बाय आयोटा माइनस वन बाय आयोटा, ये ठीक है। ओके कूल, माइनस आयोटा इंटू वन कितना आ जाएगा, वो तो माइनस आयोटा आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ माइनस आयोटा इंटू माइनस वन बाय आयोटा कितना आ जाएगा, वन प्लस वन, प्लस वन आ जाएगा, करेक्ट, गुड, तो प्लस वन आ गया, चलो ठीक है, पावर एन अभी भी। अब रियल पार्ट को तो ऐड कर ही लेते हैं, तो वन और ये भी वन, तो ये तो आ गया आपका टू, ये टू आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट बचा है, अब इमेजिनरी पार्ट में क्या है, एक के डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो मैं क्या करता हूँ, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। वैसे कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई डिवाइड सोच सकते हैं, उस केस में माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे वो, ठीक है। तो ये तो लिख दिया मैंने, वन प्लस वन टू तो लिख दिया, चलो। तो अब ये कितना, अच्छा नीचे आयोटा स्क्वायर बचेगा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन, वो ये माइनस वन और ये माइनस, क्या प्लस हो जाएगा वो? हाँ यस। तो क्या, तो क्या ये टर्म प्लस आयोटा हो गया? हाँ यस। अच्छा, और ये टर्म कितना है, माइनस आयोटा, ठीक है, होल रेस टू एन, ठीक है, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट हो गया, टू रेस टू एन आपका आंसर आ गया। ओके क्लियर मधुरा? यस थैंक यू। ओके कूल, ठीक है, ठीक। देखो मैंने बोला ना सॉल्व, गाइस सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं,
आप जिस मेथड मतलब कुछ लोग हैं जिनको डाउट आ रहा है, उन्होंने जिस वे से सोचा है बेसिकली हम ट्राई कर रहे हैं उसी वे से अगर सॉल्व कर पाए। हाँ ज्यादा लेंदी जाएगा तो हम कुछ और वे भी देख लेंगे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया सॉल्व गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 तक कोई डाउट आपको? ओके क्वेश्चन नंबर 22 में डाउट है। प्रखर अनम्यूट कर लो। हेलो हाँ प्रखर गाइस क्वेश्चन नंबर 22 चेक करो। ओके द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है आपको? 2i(1+i)^n। एक बार चेक कर लेना प्रखर यही क्वेश्चन है ना? हाँ यस सर। ठीक है तो क्वेश्चन क्या आप ध्यान से देखना है। क्वेश्चन जो है मतलब दो बार उन्होंने मतलब एक टर्म यूज किया है। बेसिकली आपको n का लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बताना है जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाए। कॉन्जुगेट लेके हाँ ठीक है तो 2i यहाँ पे 1+i मतलब इसी का कॉन्जुगेट बोल रहे हो ना 1+i का। 1+i का तो 1-i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया होल पावर एन आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा सबसे पहले वो बता दो। डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। वेरी गुड। न्यूमेरेटर में क्या करते हैं 2 मतलब ये 2 तो वैसे की वैसे रखता हूँ क्योंकि वो डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो साइड में रख दिया। तो मल्टीप्लाई में बेसिकली मतलब आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसे तो आयोटा इंटू 1 कितना आ गया आयोटा आए। और माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है ओके यहाँ पे ठीक है 2 और 2 कैंसिल आउट कर देते हैं। अच्छा आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो बेसिकली मतलब वो और ये ऑलरेडी एक माइनस है तो वो प्लस वन हो गया तो ऐसा लिखा है ना 1+i का पावर n लिखा हुआ है। हाँ यहाँ तक क्लियर? हाँ समझा सर। ठीक है अब यहाँ पे ऑप्शंस का हाँ ठीक है जितना हाँ ऑप्शंस का भी यूज ले सकते हैं। ऑप्शन क्या दिए 2, 4, 8, 16 एक बार चेक कर लो ये ऑप्शन दिए क्या। हाँ यस सर। ठीक है तो अब सॉल्व करते हैं माइट भी ऑप्शन का यूज लेके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n देखो n बेसिकली एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन एक पॉजिटिव इंटीजर बने ये क्वेश्चन है। तो एन की वैल्यू पहले 2 ले लेते हैं। हाँ यहाँ पे क्या हाँ क्योंकि आपको मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं क्या 2 पुट कर देते हैं। तो एन के लिए 2 पुट कर रहे हैं मतलब स्क्वायर कर रहे हैं राइट। तो 1+i का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं हम। तो 1+i का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2i प्लस 2ab राइट। अब आयोटा स्क्वायर तो माइनस वन होता तो माइनस वन प्लस वन कट हो गया 2i तो 2i आ गया। ठीक है तो 1+i का स्क्वायर कितना है 2i आया। अब मुझे बताओ क्या 2i एक पॉजिटिव इंटीजर है? 2i क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है प्रखर? सर मतलब 2 पॉजिटिव है नहीं 2 नहीं मतलब आयोटा आ गया ना उसका तो इमेजिनरी नंबर हो गया ना। देखो इंटीजर होने के लिए पहले उसको रियल होना पड़ेगा। अब ये चीज रियल ही नहीं है कि नहीं ये चीज तो इमेजिनरी हो गई ना आपकी। ठीक है ओके अच्छा तो 2 तो आंसर नहीं तो शायद पावर मतलब हम क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करें क्योंकि लीस्ट इंटीजर बोला तो 4 लेके देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ समझ। 1+i का पावर 4 तो पावर स्क्वायर ना ये ठीक है क्या? अच्छा 1+i का स्क्वायर तो हमने से पहले से कर रखा है उसका आंसर वो 2 आ रहा था। ठीक है तो मतलब 2i का स्क्वायर 2i का सॉरी 2i का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर राइट। तो माइनस 4 हो गया। अब क्या माइनस 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं सर पॉजिटिव चाहिए। नहीं ठीक है तो इसका मतलब 4 भी आंसर नहीं है। क्या लगता है 8 लेने पे आंसर आ जाएगा क्या? हाँ यस सर क्योंकि वही है सबसे लीस्ट। हाँ मतलब नहीं वही है ना 16 नहीं 16 भी आंसर हो सकता है ऐसा नहीं यार 8 पे भी आंसर नहीं आया तो 16 भी हो सकता है। इस केस में फिलहाल 8 आएगा वो कैसे वो आप देखो मतलब इसको सॉल्व करना पावर 8 है पावर 8 का मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या 1+i का पावर 4 और फिर होल का स्क्वायर भी ले सकते हैं ना। हाँ डायरेक्ट मतलब -4 का स्क्वायर बोल रहे हो ना। नहीं नहीं वही बोल रहा हूँ 1+i द होल स्क्वायर फिर उसका पावर 4
लेकिन इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है जब आपने 1 प्लस आयोटा का पावर 4 पहले से फाइंड कर रखा है, तो सीधा उसकी वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पे। समझा सर, समझा। आपकी इच्छा अगर ऐसी है कि मतलब ये जैसे होता है ना, आपको नहीं क्या मान लो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिखना है, तो और आप चाहते हो कि सर कम से कम 2 पेज मुझे भरना है क्योंकि क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, उस केस में आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो अपना एम क्या है कि जल्द से जल्द आंसर फाइंड करना है ना हमें, है कि नहीं? तो 1 + iota का पावर 4 तो हमें पहले से पता है -4, तो -4 का बेसिकली स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16। क्या 16 एक पॉजिटिव इंटीजर है? यस सर। ठीक है, तो लीस्ट वैल्यू 8 आ गई। क्लियर? यस सर, समझा सर। सर और 23 वो समझा ही नहीं सर, उस वो भी देख लेते, चलो ठीक है वो भी देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ पे अब देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हाँ, तो क्या है गाइस, जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस और इजीली हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे जो मैंने स्टेप्स लिखे ना, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक अच्छे से मतलब उसमें प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस की, तो इतने स्टेप्स भी लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मान लो मेन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, तो इतने स्टेप्स भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी क्विकली आप क्या फाइंड कर लोगे एक आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 22 क्लियर हुआ गाइस सभी को? ओके कूल, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 23 गाइस, क्वेश्चन नंबर 23 चेक करो सभी। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, ओके, आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, ए बी सी डी सब रियल नंबर्स है, ए प्लस आयोटा बी इज लेस देन सी प्लस आयोटा डी। ए बी सी डी सभी रियल नंबर्स है, आयोटा ऑब्वियसली रूट ऑफ -1, मतलब आई ऑब्वियसली रूट ऑफ -1 आयोटा। आपको ये स्टेटमेंट बोल रखा है ट्रू है, तो क्या कंडीशन होना चाहिए, मतलब गिवन ऑप्शन से उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है, तो कोई बता सकता है जिससे ये आंसर, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर आया है? गाइस यू कैन रेज योर हैंड। करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या है, हाँ आविष्कार can you raise your hand? हाँ विस्तार अनम्यूट कर लो। यस सर। ठीक है, तो आपने कहा सर बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए और डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है, रीजन क्या है विस्तार इसका? सर क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, तो रियल नंबर, वेरी गुड आविष्कार। देखो क्या है गाइस कि आपने क्या है, रियल नंबर्स को आप कंपेयर कर सकते हो, जब तो ये रियल नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी मतलब आयोटा इन्वॉल्व है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट भी इन्वॉल्व है, तो ये रियल नंबर नहीं है। तो अगर ये रियल है तब आप कंपैरिजन ला सकते हैं, तो रियल नंबर तभी होगा जब नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जब इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, तो वो फिर मतलब बेसिकली रियल, मतलब रियल नंबर बन जाता है, ऐसा बोल सकते हो। तो बी 0 हो जाए और डी 0 हो जाए तब आप कंपैरिजन कर सकते हो, तो बी 0 होना चाहिए डी 0 होना चाहिए, तो फिर गिवन ऑप्शंस में से जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट, गुड आविष्कार, थैंक यू। ठीक है, रियल नंबर में आप कंपैरिजन कर सकते हो, कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर स्मॉलर है, कि 5 ग्रेटर है 3 से या स्मॉलर है, वो सब आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में या ऐसा मैं बोल दूं इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी नंबर आ गया या इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे कि कोई नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर है। ठीक है, वो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओ। हाँ इक्वालिटी, अच्छा अगर इसकी जगह ये होता a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी, हाँ ये आप कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली फिर इसमें क्या रियल पार्ट इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होना चाहिए, तब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। लेकिन कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से ग्रेटर है या दूसरे से स्मॉलर है, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर हुआ सभी को? ओके गुड गाइज, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 25? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 30? ओके 27th में डाउट आ रहा है, यस कैन यू रेज योर हैंड। अनम्यूट कर लो, यस यस सर। ओके
अच्छा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है और बोला है कि दिस शुड बी प्योरली इमेजिनरी, तो थीटा की वैल्यू पूछिए. ओके ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27 आपको दे रखा है. एक मिनट कॉम्प्लेक्स नंबर बोलना. यस बी प्लस टू आयोटा साइन थीटा. ठीक है आयोटा टू साइन थीटा ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अपॉन वन माइनस आयोटा टू साइन थीटा ये दे दिया आपको. अच्छा आपको बोला है कि ये नंबर कैसा है प्योरली इमेज, क्या बोला प्योरली इमेजिनरी बोला ना. हाँ सर. ठीक है तो हम क्या कर लेंगे. अच्छा क्वेश्चन अभी के लिए ये बोल जाओ, मान लो क्वेश्चन ये है कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है. मान लो क्वेश्चन ये है. ठीक है ये. हाँ सर. तो कैसे सॉल्व करोगे. मान लो उन्होंने बोला ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट बताओ इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो कैसे सॉल्व करोगे. रियल पार्ट तो 3/1. नहीं नहीं नहीं, अरे 3/1 माइनस आयोटा टू साइन थीटा, तो आयोटा भी आ गया ना उसमें, तो रियल कैसे रहो. तो क्या करो, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. ठीक है. यस सर. हाँ ये ध्यान रखो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है ना, तो मतलब जितना मतलब ठीक है. तो एक तरीका ये है कि कॉन्जुगेट पार्ट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. मतलब क्या कर देंगे यहाँ पे, 1 प्लस आयोटा 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आयोटा 2 साइन थीटा. ठीक है. वैसे मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत होती नहीं है, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिलहाल रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने वाला हूँ पूरा सॉल्व करके. तो सबसे पहले न्यूमेरेटर की बात कर लेते हैं. तो 3 मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा, 3 × 1 तो 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका आयोटा है ना. अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा टू साइन आयोटा साइन थीटा. हाँ करेक्ट. तो आयोटा टू साइन थीटा हो गया, और जब होल स्क्वायर हो जाएगा वो, तो क्या आएगा वो आयोटा स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा. यस सर. और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1. -1. तो क्या -4 साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं मैं उसे. यस सर. ठीक है ओके. अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो बताओ सर. 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा. वेरी गुड वेरी गुड. 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया. अब क्या करते हैं, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा. अब देखो आप न्यूमेटर में, क्योंकि आपको अगर रियल पार्ट फाइंड करना है तो न्यूमेटर का मतलब न्यूमेटर में क्या, एक तो 3 है और एक ये -4 साइन स्क्वायर थीटा है. तो देखो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे लिख दिया, प्लस आयोटा, ये दो टर्म्स में आयोटा है तो आयोटा साइन थीटा. हाँ ये 8 साइन थीटा करेक्ट. तो 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा. तो अगर कोई पूछेगा रियल पार्ट कितना है तो क्विकली मतलब आप आंसर क्या बोलोगे, ये वाला पार्ट रियल है. यस सर. और कोई पूछेगा इमेजिनरी पार्ट कितना है तो आप क्या बोलोगे, ये वाला पार्ट इमेजिनरी है. यस सर. मतलब इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा. यस सर. यहाँ तक क्लैरिटी है, यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है पूरी. यस सर. अच्छा अब आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है वो जेड हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड माना है, विल बी प्योरली इमेजिनरी. ठीक है आपको बोला गया है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जेड, मैंने जो जेड लिखा है ये. अब जेड अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इससे आप क्या मतलब डिड्यूस कर सकते हो, क्या चीज आप मतलब कंक्लूजन निकाल सकते हो. सर रियल पार्ट विल बी 0. करेक्ट. वेरी गुड. मतलब रियल पार्ट 0 होना चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए. यस सर. तो इसको मैं इक्वल टू 0 कर देता हूँ और यहाँ से फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. तो उसको अगर 0 कर दिया तो ऐसा आ जाएगा क्या, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. यस सर. ठीक है तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा ये बताओ. 3/4 साइन स्क्वायर आ जाएगा. 3/4. वेरी गुड. अब ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा रूट 3/2. हाँ साइन थीटा प्लस माइनस रूट 3/2 बेसिकली. हाँ प्लस माइनस रूट 3/2. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला पार्ट सॉल्व किया है. यस सर. ठीक है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, √3/2 का स्क्वायर. तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को
ये लिख सकते हैं ना रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर? यस सर। ओके तो साइन स्क्वायर होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन फाइव बाई थ्री का स्क्वायर? यस सर। ठीक है, पाई बाय थ्री मतलब कितना, 60 डिग्री बेसिकली आपका, तो 60 डिग्री रूट थ्री बाई टू हो गया। तो अब यहाँ से आंसर बताओ, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टडी किया तो सर ने फॉर्मुला लिखाया होगा आपको, इस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा देन थीटा इक्वल्स टू? नहीं सर, इक्वेशन नहीं हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं हुआ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं हुआ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे आंसर क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा, वेयर ऑब्वियसली एन इज एन इंटीजर, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री। चेक करो ये आंसर दिया है क्या। यस सर। ठीक है, तो अभी के लिए ये, अगर आपको पता भी नहीं तो आप क्या कर सकते हो, n एक इंटीजर है ना, तो आप ऑप्शन में से मतलब ऑप्शन में आप n की कुछ वैल्यू रख सकते हो जिससे एक आइडिया लगे कि क्या आंसर आ रहा है क्या आंसर नहीं आ रहा है, इससे आप वेरीफाई कर लो। ठीक है सर, प्लस माइनस पाई बाय 3 तक आया था, सिर्फ वो 2n पाई और n पाई में कंफ्यूज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो क्लियर हुआ ना, मतलब अभी नहीं तो ये ध्यान रखो कि इफ मतलब अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके सर। ठीक है, ओके कूल गाइस, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? ओके कूल। तो बेसिकली क्या है, आपको नहीं क्या रियल मतलब नंबर बोल दिया प्योर, अब देखो एग्जाम में क्या है, आपको बोल दिया है कि नंबर जो है वो प्योरली इमेजिनरी, मतलब आपको पता है रियल पार्ट जीरो है, तो आपको इमेजिनरी पार्ट फाइंड करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रियल पार्ट कितना है फाइंड करके इक्वल टू जीरो करके भी सॉल्व करके आ जाओ। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट बच जाएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 तक और कोई डाउट आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर 26 में डाउट आ रहा है, प्रखर अनम्यूट कर लो। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 30 में सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 में डाउट है। हाँ, सेम तरीके से देखो, आपको रियल पार्ट पूछा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो अभी जैसे बताया तो वैसे नहीं क्या आप, चलो ठीक है मैं लिख देता हूँ वो, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 30 जो आपको दे रखा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही है? यस सर। ठीक है, इसका आपको रियल पार्ट पूछा है। ठीक है, इसका आपको रियल पार्ट पूछा है, तो जो कंसेप्ट आपको पता है उसे आपसे अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पे, क्या देखो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे जैसे पिछले केस में किया था। यस सर, है ना, और सिर्फ हमें रियल पार्ट फाइंड करना है, इतना ध्यान रखना। कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा वो बोलो, ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा, हाँ करेक्ट, सेम चीज डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब गाइस यहाँ पे नहीं क्या आपको रियल पार्ट फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिकली। ठीक है, तो न्यूमेटर में तो न्यूमेटर में तो पता ही है क्या है, वो तो 1 into anything will be the same number, डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो बताओ। डिनोमिनेटर में I 1 minus cos square theta minus I sin square theta। जस्ट अ सेकंड, ना सॉरी मैंने सुना नहीं, क्या बोले आपने, क्या आएगा डिनोमिनेटर में? 1 minus cos square theta minus I sin square theta। ठीक है, देखो बेसिकली ये आ रहा है क्या, चेक करो। हाँ, ये चीज आ रही है। हाँ, ठीक है, ओके, यस, है ना, मतलब अगर आप माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेटर में वैसे की वैसे रखता हूँ, डिनोमेटर को सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ध्यान देना सिर्फ डिनोमेटर को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेटर तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो इसका आप स्क्वायर कर दो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा आपका, माइनस 2ab, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यस सर,
कितना होता है cos थीटा प्लस sin थीटा 1 और ऑलरेडी एक 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा तो कितना आएगा 2 माइनस 2 cos थीटा आ जाएगा करेक्ट 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 माइनस cos थीटा करेक्ट वेरी गुड तो पूरा मतलब पूरा डिनोमिनेटर सिंपलीफाई होके ये आ गया तो अगर मैं मेरे जो नंबर है मतलब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग करके लिखूं तो देखो क्या आएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2 * 1 माइनस cos थीटा ठीक है प्लस आयोटा इंटू माइनस साइन थीटा अपॉन 2 * 1 माइनस cos थीटा ये क्लियर हुआ यस सर तो रियल पार्ट अगर आप चेक करोगे इसमें 1 माइनस cos थीटा तो कट हो जाएगा ना तो रियल पार्ट कितना आ गया हाफ यस सर ठीक है 1 माइनस cos थीटा जो ये जो ब्रैकेट है 1 माइनस cos थीटा वो कट हो गया तो रियल पार्ट कितना आ गया हाफ आ गया हाफ यस सर 1/2 आपका आंसर ठीक है सर थैंक यू सर ओके कूल गाइस क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर 26 में डाउट है गाइस क्वेश्चन नंबर 26 चेक करो शिवम कैन यू रेज हैंड अनम्यूट कर लो शिवम बेसिकली आपको देखा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस जो है ठीक है वो गिवन है आपको और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपको कुछ दे रखा है जेड माइनस वन बाय जेड प्लस वन उसको ओमेगा बोल दिया मान लो तो ओमेगा का आपको रियल पार्ट फाइंड करना है तो ये कुछ क्वेश्चन है सर कैन आई से हाउ आई सॉल्व इट हां कैसे सॉल्व किया बताओ तो सर मैंने पहले जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जो ओमेगा इज इक्वल टू जेड माइनस वन जेड प्लस वन है ना फिर कॉमन निकाल के मेरा जेड इज इक्वल टू ओमेगा वन प्लस ओमेगा अपॉन वन माइनस ओमेगा है फिर मैंने दोनों का मॉड लिया मैंने फिर मॉड z इज इक्वल टू 1 होगा इसलिए मॉडुलस ऑफ 1 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 प्लस ओमेगा ओके और जो सर उनको करने के बाद उसके बाद कैसे करने का मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा ऐसे करने का कि कैसे नहीं नहीं ठीक है देखो ठीक है आपके वाले मेथड ठीक है देखो दूसरा एक मेथड बताता हूँ ये पहले आप देख लो ध्यान में रहेगा अब आपको ये तो नहीं बताया ना कि एक कॉम्प्लेक्स मतलब आर्गुमेंट के बारे में भी डिस्कस नहीं हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर के राइट आर्गुमेंट मतलब क्या है अच्छा मतलब ठीक है डिस्कशन आर्गुमेंट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ ना अच्छा कुछ लोग बोल रहे ओके ठीक है आज पढ़ाया जाएगा चलो ठीक है तो देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ एक्स प्लस आई वाई क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ओमेगा है जो है वो जेड के टर्म में तो जेड का जो रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट होगा वो मान लो ये नंबर को इन्फ्लुएंस करेगा अब मुझे तो पता ही नहीं कुछ कि जेड का रियल पार्ट क्या इमेजिनरी पार्ट क्या तो अपन अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स इज इट रियल पार्ट वाई इज इट इमेजिनरी पार्ट ये ठीक है और क्योंकि मॉडुलस जेड 1 है इसका मतलब क्या है मॉडुलस जेड मतलब बेसिकली कितना होगा वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है मतलब बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 हो गया ना यस सर ये तो समझ में आ रहा है ना इसका मॉडुलस जब आप लोगे तो क्या आएगा रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यस सर समझ है ना तो उसका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड तो ये 1 आ गया यहाँ तक चलो ठीक है यहाँ तक हो गया अब इसमें भी अपन क्या करेंगे एक्स और वाई के टर्म में लिखेंगे यहाँ पे तो जेड की जगह लिख दिया मैंने एक्स प्लस आई वाई तो देखो रियल पार्ट मतलब रियल पार्ट नहीं बट सिंप्लीफाई होकर न्यूमरेटर कुछ ऐसा आ जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा वाई और डिनोमिनेटर आ जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई ये क्लियर हुआ यस सर ठीक है अब देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हम फाइंड कैसे कर रहे थे हमने क्या किया कॉन्जुगेट मतलब जो डिनोमिनेटर से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एक्स प्लस 1 माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आयोटा वाई ये ठीक है यस सर समझ ओके अब नहीं क्या अब मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा वो कितना आ जाएगा x मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना वो तो x स्क्वायर माइनस 1 आ गया यस x स्क्वायर माइनस 1
फिर x माइनस वन इंटू ये मल्टीप्लायर होगा। अच्छा अब देखो क्वेश्चन को तो जल्दी सॉल्व करके बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ रियल पार्ट चाहिए। तो जब ये वाला टर्म मतलब ये वाला टर्म ये टर्म से मल्टीप्लाई होगा, रियल पार्ट उसको भूल जाते हैं, उसको भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इमेजिनरी नहीं चाहिए ना, हमें सिर्फ क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा चाहिए, ठीक है। अब इसकी बात करता हूँ, अब ये माइनस आई स्क्वायर वाई होगा, माइनस आई स्क्वायर वाई मतलब प्लस वाई स्क्वायर होगा, प्लस वाई स्क्वायर जाएगा, वेरी गुड। तो न्यूमेरेटर में सिर्फ इतना ही आएगा, और ऑब्वियसली डिनोमेटर में जो है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये रियल पार्ट आना चाहिए, ये ध्यान में आ रहा है कि आपके, बताओ। ओके समझा, क्लियर है पूरा यहाँ तक? यस सर समझा, ठीक है ओके। तो न्यूमेटर में अगर मैं प्रॉपरली लिखूं तो रियल पार्ट कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। डिनोमेटर में अभी के लिए ऐसे ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ठीक है। सर जीरो हो जाता है, मतलब वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट, वेरी गुड। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी हाँ आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वन है। ओके तो सर मेरे मेथड से एक बार पता हो गया, मेरे मेथड से एक बार पता हो गया कैलकुलेशन के आगे क्या करना है। ओके सॉरी, हाँ ये वाला मेथड तो क्लियर हुआ ना? यस सर, ये वाला मेथड क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ आप क्या बोल रहे थे, अब बोलो सर। मेरे मेथड से मतलब हुआ कि नहीं, आपके मेथड से मतलब बेसिकली यहाँ तक पहुंच पाए ना अपन की 1 माइनस ओमेगा का मॉडुलस मॉडुलस इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा का मॉडुलस, 1 प्लस ओमेगा का मॉडुलस। हाँ अब इसके बाद, हाँ अब इसके बाद आप क्या सोच रहे हो बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे? मॉडुलस ऑफ स्क्वायर लेने का ना। हाँ तो देखो क्या कर लेते हैं, अब देखो अभी नीचे अभी आप ये कर सकते हो, चलो ठीक है ओमेगा का रियल पार्ट अपने को फाइंड करना है, तो लेट अस से ओमेगा का रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी है, ये ठीक है। okay. इससे ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस ए माइनस आई बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 प्लस ए प्लस आई बी, ये ठीक है। यस सर, अब मॉडुलस क्या होता है, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, राइट? यस सर। ओके तो वो लिख देते हैं और हटा देंगे और दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं तो रूट हट जाएगा, तो मतलब बेसिकली क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर वो तो बी स्क्वायर ही हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये ठीक है। ओके सर समझे, मतलब 4a = 0 आएगा और फिर a = 0 रियल पार्ट ना, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो मतलब a 0 आ गया मतलब रियल पार्ट 0 आ गया, क्योंकि ओमेगा का रियल पार्ट अपन ने a अज्यूम किया। So guys, this was question number 26. Any doubt up to question number 30? Okay, cool. So जो next set है guys, वो है question number 69 से question number 74. तो ये set में कोई doubt है आपको? ओके 72 में एक डाउट आ रहा है, ओके और कोई डाउट गाइस? क्वेश्चन नंबर 69 से क्वेश्चन नंबर 74, ओके तो क्वेश्चन नंबर 72 चेक कर लेते पहले। यश अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके जस्ट अ सेकंड, मुझे भी क्वेश्चन नंबर 72 चेक करने दो। ओके ये चीज गिवन है आपको, ठीक है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 72 में आपको ये दे रखा है कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन, एक बार चेक करें ना, ये दिया है क्या, c प्लस आई डी, ये दिया है? यस सर। ओके और वही x और y a b c d सब रियल नंबर्स हैं, आपको फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस, या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होता है? यस सर। ये बताता हूँ, ठीक है।
तो जब आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखा तो आपको एक बार क्या ध्यान में रखना चाहिए, शायद मॉडुलस का यूज हो रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है ऐसा, तो अभी के लिए मान लो लेफ्ट साइड में जो जो चीज लिखी है इसको मैं मान लेता हूँ। अच्छा आपको नहीं क्या इसलिए कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पता नहीं चाहिए, तो मैं पूछ लेता हूँ पहले आपको पता है क्या प्रॉपर्टी। मान लो आप नहीं क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हो फिर उसका मॉडुलस ले रहे हो, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी पता है? यस सर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पता है क्या, ये भी बता दो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है उसका मॉडुलस ले रहे हो दैट इज इक्वल टू इंडिविजुअल का मॉडुलस अपॉन मॉड ऑफ जेड टू, करेक्ट, फिर उसका डिवीजन, ये भी प्रॉपर्टी पता है? यस सर। करेक्ट, गुड, तो ये प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो जो मैं यहाँ पे लिख रहा था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड बोल दो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड वन बोल दो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड टू बोल दो। ठीक है, तो जेड इक्वल टू क्या लिखा है, रूट ऑफ जेड वन बाय जेड टू। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस सर। तो क्या मैं ऐसा, मतलब दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दू, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दू तो ऐसा हो जाएगा क्या, जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड वन बाय जेड टू? मतलब दोनों साइड स्क्वायर किया तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा। ठीक है, ओके okay, अब मुझे क्या चाहिए बेसिकली, अब नहीं क्या मैं दोनों साइड मॉडुलस ले लेता हूँ, तो ये इक्वल हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, अब मॉडुलस ऑफ जेड, जेड आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस क्या हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब उसके मॉडुलस का स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर लिख दिया। ये z1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और z2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इधर स्क्वायर हो रहा है तो रूट हट जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए। ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या है, x square plus y square का whole square है, तो squaring both the sides आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? यस। यस अनम्यूट कर लो। यस सर क्लियर हो। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ओके गुड गाइस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 72। एनी डाउट इन द थर्ड सेट, क्वेश्चन नंबर 69 से क्वेश्चन नंबर 74, कोई डाउट है गाइस? ओके गुड, लास्ट सेट देख लेते हैं फिर गाइस, क्वेश्चन नंबर 87 से क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 87 से क्वेश्चन नंबर 92, कोई डाउट है गाइस? गाइस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड और हम डिस्कस कर लेंगे। अद्वैत अगर आपको कुछ डाउट है, मयंका अगर आपको कुछ डाउट है, you can raise your hand and we can discuss your doubt. Unmute कर लो। Yes sir. कौन से question में doubt है? 92. Okay guys, question number 92 check करो सभी। So question number 92 में the value of z, okay, for which these are equal. ठीक है। z plus i, z minus i. तो आपको एक 92 में बेसिकली आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड और आपको बोला है कि जेड प्लस आयोटा का जो मॉडुलस है दैट इज इक्वल टू जेड माइनस आयोटा का मॉडुलस, और आपको फिर जेड मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बारे में कुछ पूछा गया है, क्या वो रियल है या मतलब और भी चीजें उसमें। ठीक है, कैसे सोचा मैं इनका सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन? जेड को मैंने एक्स प्लस आई वाई लिया दोनों साइड पे। वेरी गुड, जेड को आपने लिया एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो जो कंसेप्ट आपको पता है सिर्फ एक ही पता है जेड को एक्स प्लस आई वाई, तो वो आप यूज करो ऑब्वियसली। तो लेफ्ट साइड कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, x प्लस आयोटा y प्लस वन का मॉडुलस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस वन का मॉडुलस, ये हो जाएगा? यस सर। ओके ठीक है, इसके बाद क्या करें बताओ? फिर x स्क्वायर कैंसिल।
नहीं हाँ, तो पहले मतलब मॉडुलस ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस हमें फाइंड करना है। तो मॉडुलस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। एंड दैट विल बी सेम हियर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर, ये हो जाएगा राइट। यस सर। नाउ ऑब्वियसली स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो स्क्वायर कर देंगे और फिर एक्स मतलब ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन। तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, बस यहाँ पे बच जाएगा आपका टू वाई और यहाँ पे बच जाएगा माइनस टू वाई, तो फोर वाई इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब वाई इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। तो जो आपने यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब जो आपने जेड को एज्यूम किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने एज्यूम किया था एक्स प्लस आई वाई, लेकिन वाई तो जीरो आ गया, मतलब बेसिकली आपका वो सिर्फ एक्स रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ तो रियल हो गया। हाँ तो वो सिर्फ रियल, हाँ तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सिर्फ रियल, बेसिकली वो रियल नंबर आएगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा उसके लिए। क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके कूल, थैंक यू मायंका। गाइस और कोई डाउट है आपको अप टू क्वेश्चन नंबर 94? ओके क्वेश्चन नंबर 73 में डाउट आ रहा है, प्रखर अनम्यूट कर लो। हेलो। हाँ प्रखर, क्वेश्चन नंबर 73 में डाउट है राइट? हाँ यस सर। ये ओके अच्छा ओके ठीक है, आप वैल्यू पूछे ठीक है। देखो म्यूट कर दो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसे, अभी आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन एक्सप्लेन किया उससे ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड। ओके तो एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं तो 73 वाला क्लियर हो जाएगा, कोई इतने दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो मैं आपको ऐसा बोल दूं कि a प्लस आई बी इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी, सिर्फ इतना बोल दूं मैं आपको, और आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जैसे अभी बात हुई थी प्रखर कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बेसिकली मैं अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जेड वन बोल रहा हूँ तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड वन का मॉडुलस का स्क्वायर है? मतलब इसको ऐसा सोच सकते हैं ना, इसका रूट इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये रूट इसका स्क्वायर, क्या इसमें लिख दो, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं इसे? ओके हाँ, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे मॉडुलस का कुछ वर्क होने वाला है, तो हम क्या कर लेते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो मैं जेड बोल रहा हूँ, ये जेड वन है ये जेड टू है, तो जेड इक्वल टू जेड वन इंटू जेड टू आपको गिवन है, तो ऑब्वियसली बात है मॉडुलस ऑफ जेड विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे लगाऊ तो दिस विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू मॉडुलस ऑफ जेड टू, ठीक है, जेड विल बी मॉडुलस ऑफ जेड विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। ऑब्वियसली स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्योंकि हमें स्क्वायर किए मॉडुलस का, तो स्क्वायर कर दिया, सॉरी स्क्वायर कर दिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ प्रखर? हाँ बस 73 क्वेश्चन में और भी दिया है ई प्लस आई एफ ये भी दे रखा है, तो सेम कंसेप्ट मतलब दो कॉम्प्लेक्स के नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह जेड वन इंटू जेड टू की जगह जेड थ्री जेड फोर भी आ जाएगा, बट आंसर आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुआ प्रखर? चैट में रिप्लाई कर दो। ओके कूल, सो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 73, एक बार चेक कर लो, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 94? नो डाउट, ओके वेरी गुड। ओके गाइज आई होप सो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको कुछ और क्लैरिटी मिल गई होगी ये सेशन के बाद, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट डाउट सेशन। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइज।